स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को साथ में लेकर के लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों के साथ निरंतर जुड़ी रही है। महंत 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के समय गोरखपीठ में महंत गोपालनाथ जी गोरखपीठ अधीश्वर हुआ करते थे। ब्रिटिशर ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि प्रथम स्वातंत्र समर में जो क्रांतिकारी यहां पर देश की आजादी के लिए उस समय नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, महंत गोपालनाथ जी पे आरोप लगा कि ये उन क्रांतिकारियों को प्रश्रय देते हैं। उससे भी पहले जब भी आवश्यकता पड़ी हमारे पूज्य संतों की परंपरा ने, वे किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हो, पूरे देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। देश के अंदर अखाड़ों की परंपरा इसी बात का प्रतिनिधित्व करती है। अभी आपने देखा होगा जोड़ा अखाड़ा के महंत जी आए थे नारायणगिरी जी, आज देश शांति काल में है तो वे खा पी करके खूब मोटे ताजे हो गए हैं क्योंकि अब अखाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब लास्ट और धर्म के सामने कोई समस्या पैदा होती थी तो यही लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान करने के लिए यही परंपरा अपने आप को समर्पित करती थी और यही भारत की परंपरा है। बेहतर समन्वय कैसे होना है यह भारत की संतों की परंपरा सदैव प्रत्येक भारतवासी को इस बात की प्रेरणा देती रही है। आज से नहीं हजारों वर्षों की विरासत है। नैमिषारण्य से स्वामी विद्या चैतन्य जी यहां आए हैं। स्वामी विद्या चैतन्य जी नैमिषारण्य भारत की वैदिक परंपरा को पूरा लिपिबद्ध करने की जो धरती है वह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में आज की पीढ़ी भूलती जा रही है लेकिन इन परंपराओं को पुनर्स्थापित करना, ज्ञान की उस परंपरा के साथ जुड़ना, ये हम सबका सौभाग्य है, पूरे देशवासियों का सौभाग्य है कि जब कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाने के बाद पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी उस कालखंड में आपने देखा होगा कि कैसे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा व्यावहारिक माध्यम बनने जा रही है। जो वास्तव में पहले गुरुकुल की परंपरा थी उसका आधुनिक स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आज देश के सामने आने जा रही है और इस दिशा से हर शिक्षण संस्थाओं को इस दिशा में आगे बढ़ना। हम फेल क्यों हुए? बहुत सारे मामलों में क्यों हमारी ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धति है ये क्यों पिछड़ गई? आयुर्वेद क्यों पिछड़ गया? आयुर्वेद की ताकत को कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया ने स्वीकारा, आयुष की ताकत को सबने स्वीकारा। 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर मान्यता प्राप्त होती है। आज देखते ही देखते दुनिया के 250 देश योग के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह है भारत का गौरव। कुंभ हजारों वर्षों से होता था, लोग कुंभ का मतलब मानते थे भगदड़, अव्यवस्था, अराजकता, अव्यवस्था, गंदगी। लेकिन 2019 में कुंभ ने एक नया मानक तय किया, स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का जो एक नया मानक गढ़ा, उसने दुनिया के सामने कुंभ की एक नई तस्वीर प्रस्तुत की और वैश्विक मंच पर भारत के कुंभ की परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे ही उन कार्यक्रमों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हमारी कमी क्या? हमारी कमी है
हम अपने आसपास घटित होने वाली घटना का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं करते। हर एक चीज को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से कमतर आंकने का जो हमारा प्रयास होता है वही हमें फेल कर देता है। अपनी सफलता को हम स्वयं की सफलता मान लेते हैं, स्वयं का पुरुषार्थ मान लेते हैं। व्यक्ति की सफलता हो या संस्था की सफलता, वह किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, एक सामूहिकता का प्रयास होता है। एक भवन तब बनता है केवल इंजीनियर के द्वारा नक्शा देने से, आर्किटेक्ट के द्वारा उस प्रकार की वास्तु देने से इमारत नहीं बन सकती, या मेटीरियल इकट्ठा कर देने से भी इमारत नहीं बन सकती, या केवल राजमिस्त्री आप खड़ा कर देंगे तब भी इमारत नहीं बन सकती है। इन सब का जब सामूहिक प्रयास होगा, सब मिलेंगे, तब भव्य इमारत खड़ी होती है। और वो भव्य इमारत ही सफलता कि जिस कहानी को कहता है, भले ही श्रेय कोई एक व्यक्ति ले ले, लेकिन उस श्रेय के पीछे पूरी टीम होती है, एक एक व्यक्ति का योगदान होता है। भवन का निर्माण होने पर पानी डालने वाला भी उसका उतना ही हिस्सेदार होता है, क्योंकि सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी का भी जितना उतना ही महत्व था जितना बड़े बड़े बंदर और भालुओं का था, जिन्होंने सेतु बंध के लिए बड़ी बड़ी शिलाएं ला करके वहां पर सेतु बंध के निर्माण में अपना योगदान दिया था। ऐसे ही हम लोग हमेशा उसको नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं, और हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन नहीं कर पाते। ये हमारी एक सबसे बड़ी बुराई है, हमारे पास कोई डाटा कलेक्शन नहीं होता। ये डाटा कलेक्शन हर एक स्तर पर हो सकता है, विद्यार्थियों के स्तर पर हो सकता है, समय के स्तर पर हो सकता है, पाठ्यक्रम के स्तर पर हो सकता है, या किसी भी अन्य स्तर पर हो सकता है। हर एक कार्य का अपना महत्व होता है, और संस्थाओं को इस बारे में उस चिंतन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस व्यावहारिक स्वरूप के साथ आपको जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, आप सोचिए 53 वर्ष पहले उनका शरीर शांत हुआ था, लेकिन गोरखपीठ ने कोई वर्ष ऐसा नहीं जब ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस प्रकार के साप्ताहिक समारोह के आयोजन न हुए हैं। विगत 53 वर्षों से परंपराएं यहां चली आ रही है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी की हम लोगों ने 2017 में पुण्यतिथि का साप्ताहिक कार्यक्रम, पुण्यतिथि का शताब्दी महोत्सव का आयोजन यहां पर संपन्न किया था। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के प्रति योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम यहां पर होते थे। एक क्रम बना है, ये निरंतरता चली, और उसी निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आज यहां पर हम हैं। और आपने देखा होगा एक सप्ताह यहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के, आज की ज्वलंत समस्या को लेकर, धार्मिक संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, शैक्षणिक संस्थाओं का, इन मुद्दों के साथ किस प्रकार से जुड़ाव हो सकता है, समाज और राष्ट्र के प्रवर्तमान अभियान में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इन पर विद्वानों के, पूज्य संतों के वचनों को आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। और इसीलिए हर एक दिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की कोई अलग संस्था आकर के उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ती है। ये संगोष्ठी उन संस्थाओं में भी होती है, उन संस्थाओं में भी अलग अलग कार्यक्रम के तहत ये सभी आयोजन होते हैं, और यही तो है कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम जिसमें हम प्रत्यक्ष सहभागी बन रहे हैं कि अगर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने गोरखपीठ का ये स्वरूप दिया, उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, तो आज उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनकी पुण्य स्मृति को प्रतिवर्ष इसी उत्साह और
उमंग के साथ आयोजित करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। माणा प्रताप शिक्षा परिषद के उस अभियान को मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने आगे बढ़ाया। कल उनकी पुण्यतिथि कल पड़ेगी और गोरखपीठ की अद्भुत परंपरा इसी रूप में आगे बढ़ती है। मैं आज के इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम के जो आयोजन यहां पर हुए हैं, इन आयोजनों के साथ जिन विद्वानों ने जुड़ करके यहां पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे, पूज्य संतों के प्रवचन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, उन सब के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को उनकी 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सभी को कितनी तन्मयता के साथ अनुशासित तरीके से आप सबने यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं का, हम चाहते थे सभी संस्थाएं अपनी बातों को कहें, यद्यपि ये कार्यक्रम उन संस्थाओं में भी आयोजित हो रहे हैं, लेकिन गोरखपीठ के इस प्रांगण में भी सभी संस्थाएं अपना करें, लेकिन बहुत लंबी सूची थी, लगभग इस समय 43-44 संस्थाएं हैं, और 43-44 संस्थाओं का मतलब अगर 3 मिनट भी एक संस्था लेती तो बहुत समय लग जाता है। पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनके स्तर पर भी यहां पर कुछ वचनों को सुनने का आनंद प्राप्त होता, यह भी हम सब ने आज के इस अवसर पर यहां पर देखा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से सभी संस्थाएं अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप अपने आप को युगानुकूल और देशानुकूल बनाने का भरसक प्रयास कर रही हैं और देश और समाज के प्रति अपने उन जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में योगदान दे रही हैं। ये हमारे लिए आत्मिक संतुष्टि का विषय है। इसमें और भी कुछ जहां भी अच्छा हो उसे अंगीकार करने की दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से पूज्य संतों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, सभी विद्वानों के प्रति, उपस्थित जनप्रतिनिधियों के प्रति, माणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, प्राचार्य, आचार्य और सभी उपस्थित छात्र छात्राओं के प्रति, विद्वत जनों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे। अपने गुरु को उन्होंने याद किया, नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। देशभर के तमाम साधु संत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से पिछले 7 दिनों से गोरखपीठ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रामकथा के अलावा, लोकगीत के अलावा तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।